तुम भगवान राम के चंदे से चोरी करने वाले, भगवान राम के मर्यादित जीवन और नियमबद्ध जीवन को धर्म के नाम पर तमाम तरह का पाखंड फैला करके राजनीति करने वाली बीजेपी हार गई। तो अकाली दल रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जितने राजनीतिक दल रहे हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना रही हो, तो पूरे देश के सभी राजनीतिक दल मानते हैं कि उनको सटा करके और धोखा देने वाला, अगर पीठ में नहीं पेट में खंजर घोंपने वाली, पीठ में खंजर घोंपने वाली अगर कोई राजनीतिक दल है इस देश में तो बीजेपी है, और उसको सब राजनीतिक दल मान रहे हैं। तो देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अब बकरी चोरों की पार्टी हम लोग को मर्यादा भी सिखाएगी, यह भी जो है अहंकार की पराकाष्ठा ही है। अब इसको इस चिरकुट को जरा शांत कराइए, मैं इसके बीच में बोल रहा था क्या, इस चिरकुट को शांत कराइए, इस चिरकुट को शांत कराइए, जूते खाने लायक बात कर रहा हूं, दोनों से कह रही हूं, इस जूता खोर को मैं इसके इस आम खोर के बीच में सामान्य नेता है, लेकिन पिछली बार भी जब आप दोनों महाभारत में आए थे तो आप इसी तरह से भिड़े थे, उसमें तो बकरी चोर का कन्विंसर है, इसको बकरी चोर का कन्विंसर है, मॉडरेट करिए बेकार, इसको बकरी चोर का कन्विंसर है, बोलिए उसको भाषा सिखाइए ना, नहीं जरा उसको भाषा सिखाइए ना इस सुअर को। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है प्रेम शुक्ला और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज काका के बीच में। दरअसल डिबेट में दोनों के बीच में काफी अपशब्द और घमासान हो गया, लेकिन इसकी शुरुआत करी थी मनोज काका ने। मनोज काका और उनकी पार्टी एक अलग ही हवा में घूम रही है, और घूमना भी चाहिए क्योंकि जनता ने उन्हें एक बहुत ही अच्छा जनादेश दिया है, यहाँ तक कि अयोध्या की सीट भी दे दी, जो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे प्रेम शुक्ला जी भी कम नहीं है, प्रेम शुक्ला जी ने उनकी हवाबाजी सारी उतार दी। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है, भाई आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एक लाइक कर दें और लाइक करके आगे पूरी वीडियो देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं, पिक्चर चालू करो बे। काका जी आपसे शुरुआत कर लेती हूँ पहले, क्योंकि कल मैं ये कह रही हूँ कि इस बार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने इन चुनावों में कमाल किया है, तो उसके लिए बधाई भी स्वीकार करी है, और दूसरी तरफ वहाँ एक एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसके लिए आज दावा भी पेश हो सकता है, आप लोगों की भी एक बैठक है, तो उस बैठक में क्या मंथन होगा? नहीं, आपके बधाई के लिए हृदय से धन्यवाद, और उत्तर प्रदेश की जनमानस सहित पूरे देश के जनमानस को धन्यवाद, अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम के मर्यादित धरती को साधुवाद कि वहाँ से कम समाजवादी राम जीत गए, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी करने वाले, भगवान राम के मर्यादित जीवन और नियमबद्ध जीवन को धर्म के नाम पर तमाम तरह का पाखंड फैला करके राजनीति करने वाली बीजेपी हार गई, तो उसकी भी आप बधाई लीजिए। और हम लोगों का जो मंथन होगा ये यही होगा कि समाजवादी पार्टी की चाहती है कि इस देश में इंडिया की सरकार बने, और किस बात का मंथन है, आप सब जानते हैं राजनीति में सरकार बनाने का, और जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती थी वो भारतीय जनता पार्टी अब 239 पर सिमट गई है। तो जो प्रधानमंत्री ये कहते थे, इस तरह का अहंकारी बयान देते थे कि अब की बार 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 पार एनडीए, उनका कोई संकल्प पूरा नहीं हुआ, और उसी काशी की धरती पर जहां मां गंगा का तथा कथित पुत्र बनके और मां गंगा को और दूषित और उनके अविरलता और निर्मलता को और कलुषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है, उसको भी जहां मोदी जी की जीत 4.5-5 लाख से होती थी, वहां मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर शाहजहानपुर में आपसे जब बात कर रही हूँ तो मैं आज जो एनडीए की बैठक हुई है उसकी तस्वीरें आ गई है, वो भी जरा दिखा रही हूँ, वो तस्वीरें भी स्क्रीन पर चल रही है क्योंकि एनडीए की बैठक अभी खत्म हुई है। लेकिन काका जी आपने बहुत और बिल्कुल स्वीकार करते हुए बोला कि भाई राजनीति में सरकार बनाने की संभावना पर चर्चा होगी और क्या होगी, तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो सरकार बनाने की एक कोशिश आप लोग कर भी सकते हैं? बीजेपी के लिए डिसअपॉइंटमेंट है, उनकी बहुमत नहीं आई है, लेकिन वो अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अगर प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज, क्योंकि अभी भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उनके साथ जेडीयू है नीतीश कुमार की, और अभिषेक झा जी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। अभिषेक जी, 16 पार्टी वाली जेडीयू इतनी इंपॉर्टेंट कभी नहीं थी जितनी 12 सांसदों वाली जेडीयू इस वक्त है एनडीए के लिए, लेकिन मुझे बता दीजिए वो कह रहे हैं कि अभी भी वो सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। हाँ ठीक है, काका जी बोलना चाह रहे हैं, काका जी बोलना चाह रहे हैं, ठीक है काका जी कंप्लीट करिए पहले, फिर मैं जाऊंगी जी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के आधार पर इस देश के प्रधानमंत्री जी को यथाशीघ्र इस्तीफा जो दिए हैं, अब उनको यथाशीघ्र विपक्ष में बैठ जाना चाहिए। जो सिर्फ और सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो प्रचार प्रसार किया, जो इस देश के प्रधानमंत्री उसके उसके गरिमा को उन्होंने कलुषित किया, और मैं प्रेम शुक्ला जी को बोलूंगी कि वो विपक्ष में बैठे। नहीं नहीं, आपने आपने बोला वो विपक्ष में बैठ जाए, मैं आपसे बोलूंगी आप अपनी सरकार बनाने के आंकड़े अभी बता दीजिए नेशनल टेलीविजन पे, मैं प्रेम शुक्ला जी को बोलूंगी आप बैठिए विपक्ष में, आंकड़े कहाँ आपके पास? हाँ
आपके आपके सुचारिता आप 234 के बाद कोई ऐसा 239 के बाद बीजेपी चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या व्यवहार करी उनको इस देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ रख के धोखा नहीं दिया, चाहे वो अकाली दल रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जितने राजनीतिक दल रहे हों, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना रही हो, तो पूरे देश के सभी राजनीतिक दल मानते हैं कि उनको सता करके और धोखा देने वाला अगर पीठ में नहीं पेट में खंजर घोंपने वाली अगर कोई राजनीतिक दल है इस देश में तो बीजेपी है और उसको सब राजनीतिक दल मान रहे हैं तो उनको कोई समर्थन नहीं देगा। भय भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर भयाक्रांत और कितना भयावह वो लोग दिख रहे हैं, ये इसका आप आकलन करिए ना उनका अहंकार को। इस देश की जनता जो प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहे, एक नौजवान से संवाद किया कि मैंने आपको रोजगार दिया, किसानों को प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर मनोज सिंह काका कह रहे हैं कि हम अभी भी अगर बैठक हो रही है तो सीधी सीधी बात है कि हम सरकार बनाने के आंकड़ों पर और वहाँ उसी पर मंथन कर रहे हैं। यानी आप ये खबर आ रही है कि आज ही दावा पेश कर सकते हैं एनडीए की सरकार के लिए बीजेपी के नेता, लेकिन वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कह रहा है हम भी सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो भी दावा पेश करने कौन मना कर रहा है उनको? अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनवा लाए काका, कौन मना कर रहा है उनको? अब बकरी चोरों की पार्टी हम लोग को मर्यादा भी सिखाएगी, यह भी जो है अहंकार की पराकाष्ठा ही है। बकरी चोरों की पार्टी जो है अब प्रभु रामचंद्र जी की मर्यादा सिखा रही भारतीय जनता पार्टी को, जिस पार्टी को इंडी अलायंस के सारे घटक दलों से मिले कुल। अब इसको इस चिरकुट को जरा शांत कराइए, मैं इसके बीच में बोल रहा था क्या, इस चिरकुट को शांत कराइए, इस चिरकुट को शांत कराइए, जूते खाने लायक बात कर रहे हैं जूता खोर को, मैं इस आराम खोर के बीच में सम्मानीय नेता है, लेकिन पिछली बार भी जब आप दोनों महाभारत में आए थे तो आप इसी तरह से भिड़े थे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। प्रेम शुक्ला जी प्लीज इस तरह की भाषा नहीं, सर आप बोलिए जब आपको बोलना है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिएगा प्लीज, मुद्दे पर बोलिए। और काका जी भी अपने समय बोलेंगे, आप तो बकरी चोर कह रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ। सुचारिता जी सर वो वहाँ से चंदा चोर आप बोलेंगे कि वो चंदा चोर बोल रहा है, देखिए बकरी चोर कहूंगा उसको। आप मुद्दे पर बात करिए ना, आपकी जो सरकार बनने जा रही है उससे इम्पोर्टेंट क्या है? उसमें तो बकरी चोर का एनडीए सरकार बनाने का दावा, बकरी चोर का मॉडरेट करिए, बकरी चोर का। प्रेम शुक्ला जी बोलिए और मुद्दे पर बोलिए प्लीज। काकाओं की पार्टी है ये, बलात्कारियों की पार्टी है ये, काका जो है बकरी चोर, ये बकरी चोर हमको बताएगा। ठीक है, ये बकरी चोर जो है, मैं एक बार आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूं क्योंकि आप ऐसे नहीं सर प्लीज, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं आप दोनों से कह रही हूँ प्रेम शुक्ला जी इस तरह से नहीं प्लीज, वो फिर वो भी बोलेंगे फिर मैं उनको भी नहीं रोक पाऊंगी। आप बताइए आपके लिए बड़ा दिन है आज, आप तो सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं उस पर बोलिए ना, उसको भाषा सिखाइए ना, नहीं जरा उसको भाषा सिखाइए ना इस सुअर को। दोस्तों इस चुनाव में ये जो बीजेपी के साथ हुआ है, मेरा मानना है ये आपसी नाराजगी के बीच में हुआ है, यानी जनता की नाराजगी बीजेपी से थी लेकिन काम को लेकर या विकास को लेकर नहीं थी। सबको पता है बीजेपी आने के बाद ही देश के अंदर बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का विकास हुआ है, ये इतने सालों से थे इन्होंने कुछ नहीं किया और जनता और बीजेपी के बीच की मनमुटाव का फायदा इनको मिल गया क्योंकि यही एक विकल्प बचे थे। बाकी आपको डिबेट वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।